हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ सुमन। और आज के वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से आप जो शेकआउटी बेस होता है उसको किस तरीके से पैक कर सकते हैं, यानी उसकी पैकिंग के बारे में आपको मैं कुछ आइडियाज़ दूंगी। तो आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, और अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ जाके भी आप कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो ओढ़नी होती है उसको आप प्रॉपर अच्छे से समेट लीजिए, क्योंकि इसी से मेन आपका जो बेस होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पैक होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कई बार हम जैसे हम लोग जो न्यूज़पेपर वगैरह है वो भी डाल देते हैं थोड़ा सा, मतलब उसमें एकदम अच्छी सी फिनिशिंग आने के लिए, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप न्यूज़पेपर नहीं डालना चाहते तो आप वैसे भी आपको बहुत अच्छे से आप इसको पैक कर सकते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूज़पेपर डाल के ही उसको अच्छे से पैक करें। तो हम यहाँ पर क्या करें कि बहुत ही अच्छे से इसको जो ओढ़नी है उसको बहुत मतलब कि सही से प्रॉपर आप इसको, क्योंकि इसका जो पल्लू वगैरह लटक जाता है क्योंकि गोटा जो हेवी होता है, कई कई बार हम हेवी बेस पैक करते हैं, तो उस तरीके से आपको क्या करना है उस अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें देख के और उसको आपको ओढ़नी को है जो समेटना है। ताकि समेटने में क्या होता है, हम मतलब कैसे भी समेट सकते हैं वैसे तो, बट होता क्या है कि आप अगर उसको बहुत थोड़ा सा टाइम देके अगर आप उसको अच्छे से करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी ये। और इसके बाद प्रॉपर इसकी जो सलवटें हैं वो निकाल दीजिए, उससे भी काफ़ी सही आपकी जो ओढ़नी है वो पैक होगी। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे सलवटें सारे निकल गई तो आप अपनी जो पॉलीथीन है उसको देख के उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको समेट सकते हैं। सो ये साइज़ प्रॉपर रेडी हुई है हमारी पॉलीथीन के बराबर, तो इसको हम ऐसे ही रख देते हैं। इसके बाद में हम लेंगे लहंगा। तो लहंगे में आप चाहें तो वो जैसे कि जिस तरीके से आप ओढ़नी में न्यूज़पेपर डालते हैं इसमें भी डाल के उसको थोड़ा सा मतलब एकदम कड़क लुक दे सकते हैं, या फिर थोड़ा सा वज़न में हेवी हो जाएगा अगर आप न्यूज़पेपर डालेंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर बेसिक पैकिंग है वो यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही ज़्यादा इस तरीके की पैकिंग है जो मतलब कि आपको कहीं करवानी पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। जो बेसिक पैकिंग होती है उसी तरीके से मैं आपको यहाँ शेयर कर रही हूँ, ताकि अगर किसी को, मेरे जैसे लोग भी बहुत से होते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता शादी से पहले, तो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि कई लोग हैं जो अच्छे से पहले पैक करते हैं तो उनको तो आता ही होगा, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट बहुत से लोग मेरे जैसे भी हैं जिनको नहीं आता है, सो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि मुझे शादी से पहले ये सब चीज़ें नहीं आती थी और अभी भी मैं सीख ही रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत अच्छे से आती है, बट मैं ट्राई करती हूँ कि अच्छे से अच्छा हो सके। सो इस तरीके से आप लहंगे को अंदर से अच्छे से समेट सकते हैं, और इसके बाद में आप इस पर जो ओढ़नी होती है उसको रख सकते हैं प्रॉपर। सो आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर किस तरीके से आपको रखना है। सो इस तरीके से ओढ़नी आएगी, इसके ऊपर आप चाहे तो ब्लाउज़ की पीस या कांचली जो भी आपके रखते हैं वो रख सकते हैं। तो बट आपको ध्यान ये रखना है कि पहले आपको प्रॉपर बहुत सही तरीके से ओढ़नी है, उसको जमानी है, एंड उसके बाद ही इसको पॉली बैग में डालना है। सो इस तरीके से हमारा बेस जो है वो मतलब रेडी हो चुका है। सो इसके बाद में हम डालेंगे पॉली बैग में। सो मैं यहाँ पे कांचली रख रही हूँ इसकी, क्योंकि ये जो लहंगा इसके साथ वैसे तो ब्लाउज़ है तो वो तो नहीं रखना मतलब अच्छा नहीं लगता, तो क्योंकि कांचली ज़्यादा रखी जाती है बेस के ऊपर या फिर पीच वगैरह कब ब्लाउज़ की वो रखी जाती है तो वो सिलाया हुआ है तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। सो इस तरीके से हम वो रख रहे हैं, और आपके जैसे भी रखते हो आप रख सकते हैं। एंड इस तरीके से जो पॉली बैग है उसमें हम इसको डालेंगे अच्छे से। Thank you.
किस तरीके से हमारा बेस पीक हुआ, इसके ऊपर आप चाहें तो पैसे वगैरह जो रखते हैं या फिर जो भी सामान आपके वहाँ रखते हैं वो सारा आप डाल सकते हैं। सो मुझे एक बेसिक पैकिंग आप लोग साथ शेयर करनी थी, क्योंकि मुझे दो तीन कमेंट्स भी ऐसे आए थे जिसमें लोग मतलब वो लोग पूछ रहे थे कि आप मुझे पैकिंग का आइडियाज बता दीजिए। तो कुछ मतलब ऐसा नहीं है, बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही बेसिक पैकिंग ये हमने की है तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ अलग पैकिंग चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।